क्या डिफरेंस आता है या क्या डिफरेंस होता है यदि हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस में या एंड्रोजेनिक एलोपीसिया में 20s के एज ग्रुप में हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं या फिर 40s के एज ग्रुप में हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। मैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, ALCS हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक जयपुर, आज इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, जब हम कंपेयर करते हैं पेशेंट्स को, जो पेशेंट 20s वाले एज ग्रुप में है या फिर जो पेशेंट्स 40s के एज ग्रुप में है, जो यंग पेशेंट है 20s के एज ग्रुप वाले, उनके केस में जो बॉल्डनेस है, जो शुरू हो चुका है गंजापन, वो हम ये मान के चलते हैं कि प्रोग्रेसिव रहेगा और अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। मतलब कि वो कितना प्रोग्रेस करेगा वो एसेस करना मुश्किल है। ये तो जब हम बात करते हैं फ्रंट की या रिसिपिएंट एरिया की, रिसिपिएंट जोन की। इसके साथ साथ यंग पेशेंट्स में, जो अर्ली, स्पेशली जो अर्ली 20s वाले पेशेंट होते हैं, उनमें जो डोनर एरिया होता है उसका सेफ जोन भी पूरा डिफाइंड नहीं होता है। उसके अंदर भी चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी रहती है, और ये पॉसिबिलिटी रहती है कि वो जो डोनर एरिया है उसका जो सेफ जोन है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाए फ्यूचर में, और अगर उसमें से बाल लेके लगाए गए हैं, ट्रांसप्लांट किए गए हैं, तो वो भी फ्यूचर में जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसके अलावा 20s और 40s का जो और जो मेजर डिफरेंस आता है कि 20s के जो पेशेंट होते हैं वो एक तरह से हर तरह से पर्सनल फ्रंट पे या फिर प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, और कहीं ना कहीं एक इंस्टेबिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू जब हम 40s के एज ग्रुप के पेशेंट से डील करते हैं। वो पेशेंट्स फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, देन पर्सनल फ्रंट पे भी वो काइंड ऑफ लाइक मैरिज हो चुकी होती है मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स की, और उनकी फैमिली कंप्लीट होती है, देन जॉब वाइज भी, प्रोफेशनली भी वो सेटल्ड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इसके अलावा साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी की भी अगर हम बात करें तो 40s वाले एज ग्रुप के पेशेंट की मैच्योरिटी साइकोलॉजिकल थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 20s एज ग्रुप वाले पेशेंट की। सो जब 40s वाले पेशेंट के एज ग्रुप के जो पेशेंट्स हैं उनका जो ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है वो भी काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो चुका होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन होने के चांसेस नहीं होते हैं। साथ ही साथ डोनर एरिया भी 40s के एज ग्रुप के पेशेंट्स का, स्पेशली जब हम कंपेयर करते हैं 20s के एज ग्रुप के पेशेंट से, तो डोनर एरिया भी 40s के एज ग्रुप पेशेंट्स में स्टेबलाइज हो चुका होता है, और सेफ जोन पूरा वेल डिफाइंड होता है जिसमें से कि पूरे से हम बाल ले सकते हैं और वो बाल लंबे समय तक रहते हैं। बट इनमें भी हम अर्ली 20s में हेयर ट्रांसप्लांट, सी लेट 20s में तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, हम आराम से हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, किसी भी टेक्निक से कर सकते हैं, और पेशेंट से डिस्कशन करके हेयर लाइन और वो सब डिसाइड कर सकते हैं। बट स्पेसिफिकली जब हम अर्ली 20s के पेशेंट्स की बात करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस होती हैं जिनके अंदर ही हम अर्ली 20s के पेशेंट्स का हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। जैसे कि अगर बॉल्डनेस ग्रेड 3 या उससे ज़्यादा है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ पेशेंट का लुक डेफिनेटली उससे अफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा यदि ये जो बॉल्डनेस है ये पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है, उसकी साइकी को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है, तब भी हम उसे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन सिनेरियो में, बिकॉज ये जो एज ग्रुप होता है ये एक मैरिजेबल एज ग्रुप होता है, तो बहुत सारे पेशेंट्स मैरिज के लिए भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं। सो अगर ये सब फैक्टर्स फिट होते हैं, पेशेंट स्टेबल है, एरिया ऑफ बॉल्डनेस को हम करेक्ट कर सकते हैं, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी हम एक डिस्कशन से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एस्टैब्लिश करके 20s के एज ग्रुप में हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो है 20s के एज ग्रुप में पेशेंट्स का हेयर ट्रांसप्लांट करने का, वो है पेशेंट के एंड पे मोटिवेशन कितना है। मोटिवेशन एज अप्रोप्रिएट लगने का, मोटिवेशन यंग लगने का, मोटिवेशन और एक रेडीनेस, एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ कि हाँ इस तरह का नेचुरल लुक आएगा, एक रियलिस्टिक लुक आएगा, और एक मोटिवेशन कि हाँ फ्यूचर में भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर पेशेंट इन सब बातों को एक बिल्कुल सेन माइंड से, एक सेंसिबल तरीके से समझते हैं, तो अर्ली 20s के पेशेंट्स का भी हेयर ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और स्पेसिफिक क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कई सेलिब्रिटी पेशेंट्स होते हैं या कुछ लोग शो बिजनेस में होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा भी अगर रिसीड कर रही है हेयर लाइन या थोड़ा सा भी बॉल्डनेस लग रहा हो रहा है और वो उनके प्रोफेशन को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी अगेन सबसे ज़रूरी है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पेशेंट के एंड पे होनी चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए कि हम क्या रिजल्ट अचीव करेंगे उनका हेयर ट्रांसप्लांट करके। इसके साथ हम उन पेशेंट्स में भी हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि क्या डिफरेंस आता है
टेक्निक्स में या हेयर ट्रांसप्लांट करने में अर्ली 20s या अर्ली 40s के पेशेंट्स में। सो कुछ बहुत बेसिक कंसिडरेशंस होते हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए अर्ली 20s के पेशेंट में। एक तो सबसे ज़रूरी ये है कि अर्ली 20s के पेशेंट में हमें FUE प्रोसीजर अवॉइड करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जो डोनर एरिया है, जो सेफ जोन है, वो डिफाइंड नहीं होता है, और FUE में अगर सेफ जोन एरिया से बाहर से अगर हम ग्राफ्ट हार्वेस्ट करते हैं, वो बाल इवेंचुअली गिर जाते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है। इन यंगर पेशेंट्स में अगर हम FUT करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि FUT के अंदर जो स्ट्रिप हार्वेस्ट की जाती है, जो पूरे ग्राफ्ट होते हैं, वो टोटल 100% सेफ जोन से लिए जाते हैं, और अगर सेफ जोन रिड्यूस भी हो जाए तो उस एरिया में से बाल गिरने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है और फ्यूचर में हेयर ट्रांसप्लांट फेल होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। तो अर्ली 20s में अगर पेशेंट के ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस माइल्ड है, ग्रेड 3-4 है, तो FUT से काम हो जाता है, और अगर उनका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस ग्रेड 4-5-6 है, तो देन उस केस में यंगर पेशेंट्स में हम FUT प्लस FUE कॉम्बिनेशन एडवाइस करते हैं, जिससे कि एक बेटर कवरेज हो सके और एक नेचुरल और हाई डेंसिटी रिजल्ट हम अचीव कर सकें। टेक्निक के अलावा जो प्लानिंग पार्ट में जो बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है 20s वाले एज ग्रुप के पेशेंट्स में, वो ये है हेयरलाइन डिज़ाइनिंग के टाइम क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सो इन पेशेंट्स में हेयरलाइन जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हमें बहुत एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, हमें थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रखनी चाहिए, इन द सेंस कि फोरहेड की जो हाइट है बहुत छोटा नहीं रखना चाहिए, टेम्पोरल ट्रायंगल्स अगर हम ओमिट कर सके बिल्कुल, अगर हमें लगता है कि नहीं है ज़रूरत तो हमें नहीं बनाने चाहिए, हमें उसमें एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। उसके रीजंस ये हैं कि अगर यंगर एज के पेशेंट्स में हम एग्रेसिव होते हैं और फोरहेड हाइट छोटी रखते हैं और टेम्पोरल ट्रायंगल्स बना देते हैं, और इन केस फ्यूचर में अगर पीछे के बाल गिरते हैं और रिसीड करता है, एरिया ऑफ बॉल्डनेस बढ़ता है, तो ये एरिया अलग से स्टैंड आउट करता है, हेयर का पैच अलग से स्टैंड आउट करता है, जो कि नेचुरल नहीं लगता है, और फ्यूचर के केसेस में रिवाइज करते समय हमें वो ग्राफ्ट वापस एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं, जो कि एक वेस्टेज होती है हेयर ग्राफ्ट की। साथ ही एक बहुत मेजर डिफरेंस जो आता है 20s और 40s के पेशेंट्स के प्रोसीजर का, वो ये आता है कि 20s के एज ग्रुप के पेशेंट्स को हम मेडिकेशंस एज अ रूल ज़रूर एडवाइस करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस, क्योंकि इन पेशेंट्स में जो एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि हेयर लॉस जो है, जो बॉल्डनेस है, दैट इज़ गोइंग टू प्रोग्रेस एंड वो अनप्रेडिक्टेबल रहता है, बट उस प्रोग्रेशन ऑफ बॉल्डनेस को थोड़ा डिले करने के लिए मेडिकेशंस हम एडवाइस करते हैं यंगर एज ग्रुप के पेशेंट्स में, जो कि मिनोक्सिडिल, फेनेस्टेराइड और बायोटिन टैबलेट्स होती हैं, जिनसे कि जो प्रोग्रेशन ऑफ बॉल्डनेस है वो थोड़ा सा हम डिले कर सकें और जो नेक्स्ट सेशंस की ज़रूरत है पेशेंट्स को, उन्हें हम डिले कर सकें। जबकि जब हम बात करते हैं ओल्डर एज ग्रुप की, 40s वाले एज ग्रुप की, तो उनमें सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता है और जो ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है वो भी स्टेबलाइज हो चुका होता है और जो डोनर एरिया है वो भी स्टेबलाइज हो चुका होता है, तो जो मेडिकेशन है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और प्रोलॉन्ग मेडिकेशन की ज़रूरत एज कम्पेयर टू 20s वाला एज ग्रुप 40s वाले एज ग्रुप में नहीं पड़ती है। सो नटशेल में अगर हम बात करें, इस वीडियो को समराइज करें, तो अगर हम 20s के एज ग्रुप के पेशेंट्स का हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो कुछ फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना होता है कि जो हेयर लॉस है वो प्रोग्रेस करेगा और अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस ही होती हैं जिनमें हम इस एज ग्रुप में हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, एंड जब हम इन पेशेंट्स में, यंगर एज ग्रुप के पेशेंट्स में हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो हमें स्पेसिफिक टेक्निक FUT का प्रेफरेबली या फिर FUT प्लस FUE को यूज़ करना चाहिए, और हेयरलाइन डिज़ाइनिंग करते वक्त स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस तरह की हेयरलाइन बनानी चाहिए जो कि फ्यूचरिस्टिक हो और जो पेशेंट्स को आगे जाके, फ्यूचर में जाके अननेचुरल ना लगे और उसे नेगेटिवली बॉदर ना करें। हेयर ट्रांसप्लांट और इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।